केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि हिसार जिले में इस योजना के तहत लक्षित गांवों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य पूरा हो चुका है और संपूर्ण नक्शे प्राप्त हो चुके हैं। लगभग 120 गांवों में पंजीकरण का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि संबंधित गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन करके लोगों के दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया जारी है। योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। कार्ड के माध्यम से ग्रामीण बैंकों से ऋण भी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि 228 गांवों के प्रथम नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त हो चुके हैं और 202 गांवों की आवासीय भूमि की सूची भेजी जा चुकी है। सभी मैप्स भी जो है हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया से बन के आ चुके हैं और लगभग 120 ऐसे गांव हैं जहां पे कि अब रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है वो प्रगति पे चल रहा है। उसमें भी हम ये कहना चाहेंगे ग्रामवासियों से, जो भी लोग लालडोरा में रहते हैं, अपने ग्राम सचिव से संपर्क करके अपनी जो टाइटल डीड्स हैं उनका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं।